हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन ब्लिस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। इसकी पहचान क्या होती है? जब भी किसी सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रहे हैं, रही है, ऐसे वर्ड आते हो तब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। कॉन्टिन्यूअस का क्या मतलब है? जब प्रेजेंट में कोई काम लगातार हो रहा है। मैं अभी क्या कर रही हूँ? मैं अभी बोल रही हूँ, तो ये क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अगर मेरी आंखों के सामने कोई काम हो रहा है, चाहे वो टेम्परेरी वर्क हो, तब भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। और कब करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज? जो चीज़ें हमें दिखाई भले ही ना दे रही हों, पर वो प्रेजेंट में लगातार हो रही हों, उनमें भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। बेसिकली इसकी पहचान क्या याद कर सकते हैं हम? जब भी सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आदि वर्ड आते हों, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, इज आर एम होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा आईएनजी का यूज होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस में, और जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ही सी इट नेम, उसके साथ इज का यूज होता है, और आई के साथ एम का यूज होता है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का यूज होता है। इसका यूज कहाँ का होता है? जब जो कार्य वर्तमान में यानी वाक्य को बोलते समय हो रहा हो, वो मेरे सामने से जा रही है। ये क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये। और तब भी होता है जब टेम्परेरी एक्शन हो रहा हो, कुछ टाइम के लिए कोई काम हो रहा हो, जैसे बारिश हो रही है, ये क्या है? ये टेम्परेरी वर्क है, इसमें भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होता है। और जो बोलने के वक्त नहीं हो रहा हो लेकिन उपयुक्त समय के आसपास या कार्य जारी हो, जो काम लगातार हो रहा हो, जरूरी नहीं है हमारी आंखों के सामने ही हो रहा हो, तो वो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है। जैसे कि सी इज लिविंग इन ए रेंटेड हाउस। और जब भी निकट फ्यूचर में कोई काम होता है तो उसमें भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि आई एम गोइंग टू मुंबई टुमारो, मैं कल मुंबई जा रही हूँ, इसमें भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। और कई बार कार्य जारी अवस्था में होते हुए भी दिखाई नहीं देता है, तब भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि पोल्यूशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, दिन पर दिन पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है और पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है। पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, इसमें क्या होगा? ये हमें दिखाई तो दे नहीं रहे हैं पर ये काम लगातार होते जा रहे हैं, इनमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज होता है। इसमें इसकी पहचान क्या होती है? इसमें दिस इवनिंग का यूज होता है, एट द मोमेंट का यूज हो, दिस मॉर्निंग या करंटली, दिस इवनिंग, नाउ, ये सब वर्ड क्या दर्शाते हैं? कि ये काम अभी हो रहा है। ही इज रीडिंग ए नॉवल नाउ, अभी एक नॉवल पढ़ रहा है, ये क्या दिखा रहा है? ये अभी कंटिन्यूअस में, अभी कंटिन्यूसली कोई काम हो रहा है। नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा इसका? सब्जेक्ट के बाद इज आर एम के बाद नोट आता है, जो कि थर्ड प्लेस पे है, सब्जेक्ट सेकंड और ये थर्ड प्लेस पे है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमेशा आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। राम घूमने नहीं जा रहा है, राम क्या है? सब्जेक्ट है, और वर्ब क्या आएगी इसके साथ? इज आएगी, इसके बाद नोट गोइंग फॉर ए वॉक, राम इज नॉट गोइंग फॉर ए वॉक, वो कहीं नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग एनीवेयर। इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? डब्ल्यू एच फैमिली आएगी हमेशा पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? जो टाइम को दिखाती है कि ये प्रेजेंट टाइम है, पास्ट है या फ्यूचर है। इसका हमें कैसे पता चलता है? हेल्पिंग वर्ब की सहायता से पता चलता है। और फिर क्या आती है? सब्जेक्ट आता है और फिर मेन वर्ब के साथ आई एन जी और फिर ऑब्जेक्ट। क्या लोग स्टेज पर नाच रहे हैं? पीपल क्या है? प्लूरल है, इससे पहले क्या आ जाएगा? वर्ब आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब, आर पीपल डांसिंग ऑन द स्टेज। नेगेटिव इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? डब्ल्यू एच फैमिली के बाद इज आर एम, फिर सब्जेक्ट के बाद नोट आता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी और फिर ऑब्जेक्ट। अमन बात क्यों नहीं कर रहा है? व्हाई इज अमन नॉट
टोकिंग। और क्या बनेगा अगर आप बोले कहीं पे भी, अगर हमें ये देखने को मिलता है किसी सेंटेंस के लास्ट में हुआ है, हुए हैं, ये सब वर्ड आते हैं, तब भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि वो यहाँ पर खड़ी हुई है, शी इज स्टैंडिंग हेयर, वो वहां पर बैठा हुआ है, ही इज सिटिंग देयर, या ऐसे सेंटेंस में भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, आई होप आपको समझ में आया होगा।